नाम क्या आपका? अली। क्यों? हाँ ना, वो पीछे खड़ा है, वो मर गया समझो, लेकिन आप चलते फिरते देख रहे हो। क्यों मर गया है? वो तो जिंदा है। ये जिंदा है लेकिन ये मर गया। अच्छा। आप चलते फिरते देख रहे हैं कैसे? ये बस ये पाकिस्तान का जो कानून है ना, ये चलता है। शनाख्ती कार्ड में मारते हैं। ये सियासतदान आपने, वैसे बंदा जिंदा होता है। अस्सलाम वालेकुम, और मैं हूँ जेबी फ्रॉम मजाकी टोटे। ये है नाम नहीं बताएगी। ये है जिनीरा फ्रॉम जिनी टॉक्स, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मजाकी टोटे के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हम लोग आज जा रहे हैं बड़े दिनों के बाद एक अच्छी सी फनी सी वीडियो बनाने के लिए, ब्लॉग कह सकते हैं आप इसको। दरअसल सज्जाद जानी जो हमारे एक बहुत बेहतरीन कॉमेडियन हैं पाकिस्तान के, उनकी एक एपिसोड से इंस्पायर होके हम लोग जा रहे हैं। तो कोई ये ना बोले कि हमने कॉपी की, हम पहले ही बता रहे हैं कि हम उनकी एक एपिसोड से इंस्पायर होके जा रहे हैं। काइंड ऑफ कॉपी जाने भाई की इजाज़त हमने ली नहीं, लेकिन फिर भी खैर। तो आइए चलते हैं, आपको एक जगह पर सैर करा के आते हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा है इस एरिया के लिहाज से, क्योंकि इस एरिया में बारिश नहीं होती, बहुत कम होती, तो जब होती है तो वही है लाइक जैसे दुबई में होती है ना, एक कतरा पड़ता है और सब अपने रेन सूट निकल के पहन के बाहर चले जाते हैं। ऐसे ही दहानिया का यही हाल है। इसलिए हम सदर बाज़ार दहानिया की तरफ जा रहे हैं, मेन बाज़ार। और दहानिया के मेन बाज़ार में एक सबसे बड़ी खूबी है कि बहुत छोटा है, जैसे शुरू होता है वैसे खत्म हो जाता है। जानिया का जो सबसे बड़ा बाजार है उसकी खूबी ये है कि वो सबसे छोटा बाजार है। बट छोटे शहरों में यही फायदा है कि आप एटलीस्ट एक ही जगह से सब कुछ ले सकते हैं जो भी अवेलेबल है वहाँ पे, मतलब आपको सब कुछ तो नहीं मिल सकता बट जो भी है वो हर चीज़ पर मिल जाता है कुछ ना कुछ। आप एक ही जगह जाओ और वापस आ जाओ आराम से। तो छोटे शहरों का ये फायदा है कि यहाँ से मुल्तान भी करीब है, खानेवाल भी करीब है, विहाड़ी भी करीब है। तो ये इस लाइक स्मॉल सिटी, तहसील कह सकते हैं इसे, कस्बा कह सकते हैं। तो ये है बाज़ार, सदर बाज़ार। यहाँ से कभी कोई सदर नहीं गुजरा, लेकिन फिर भी इसका नाम सदर बाज़ार है। सिटी कॉर्नर, बस यही कुछ है यहाँ पे। अब ये ख़त्म ही होने वाला है, आपको मैं दिखाती हूँ। मतलब सुलेमानी है जी, ये मतलब सुलेमानी है हकीम अब्दुल्ला के बेटे का। ये चूड़ी बाजार है, जम्मू बड़े काले भी हैं यहाँ पे, और लोकी बड़े काले भी हैं यहाँ पे। की तरफ ऐसे ये बाजार ही चल रहा है अभी, और बिल्कुल ख़त्म भी होने वाला है। हम आप सबसे क्या था बाजार हम देख चुके हैं, बाजार की शाखें हैं अंदर। हाँ जी, बाजार की ब्रांचेस है। ओके, इट्स काइंड ऑफ क्यूट राइट? यस इट्स क्यूट। तो जी आज हम लोग आए हैं जहानिया मंडी की सब्ज़ी मार्केट में। सब्ज़ी मार्केट है इधर, फ्रूट मार्केट भी है, मिक्स है सारा कुछ सामान। हम लोगों ने कुछ अर्सा पहले, बल्कि एक साल पहले आप लोगों को दिखाई थी शारजा की जो फ्रूट मार्केट थी, आज उसके मुकाबले में हम आपको दिखाएंगे जहानिया की फ्रूट मार्केट कैसी है और शारजा की फ्रूट मार्केट कैसी थी। शारजा की फ्रूट मार्केट सबने देखी हुई है, अल जुबैल जिसको कहा जाता है। साफ़ सुथरी है, अच्छी नहीं लगती इतनी साफ़ सुथरी जगह है। हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोगों को गंदी गंदी जगहें अच्छी लगती हैं। तो आज हम इसी चीज़ को थोड़ा सा मंजर आम पे लेके आने के लिए आए हैं। इधर आओ भाई, किधर जा रहा है? ओ भाई इधर आ, शाहरुख खान कहाँ जा रहा है तू?
हाँ, ये शाहरुख खान हमारे पास पकड़ा है। सबसे पहले हम इसका इंटरव्यू लेंगे, देखते हैं इसको क्या करते हैं। हाँ भाई, क्या भाई, हाँ नाम क्या आपका? अली। क्यों? उस्मान क्यों नहीं? अली है मैं। क्या करते? काम करता हूँ, बेकरी है। कहाँ? ये तो सब्जी की दुकान है। दबा बेकरी है। कहाँ? अच्छा, किराने पे काम करते हो। क्या काम करते हो? काम वही है जो होता है। काम क्या होता है? अच्छा, परचून का काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एक सवाल है, उसका जवाब दोगे? जवाब दोगे तो बताऊंगा ना सवाल कौन सा है। कोशिश करोगे? अगर आपने जवाब सही दे दिया आपको इनाम भी मिलेगा। एक एक बंदा जिंदा आदमी, ठीक है, मर गया, लेकिन आप उसको चलते फिरते भी देख रहे हो, कैसे? उसकी शक्ल के दो हो सकते हैं। उसी आदमी को चलते फिरते देख रहे हो? ख्वाब में। हकीकत में? हकीकत में देखो, समझो वो काका है ना, वो मर गया, ठीक है, आप उसको फिर भी चलते फिरते देख रहे हो, क्यों? ऐसा तो ख्वाब में नजर आता है। आप सोचो सोचो, उसका जवाब है, मैं आपको जवाब बताऊंगा। मैं दस्तक गिनूंगा, दस के अंदर अंदर आपने जवाब नहीं दिया तो फिर आप हार गए। एक, दो, तीन। ख्वाब में नजर आता है वो, और कहीं नहीं आता। पाँच, छ, सात, जाओ उसके साथ कवर होगा। नौ, दस। नहीं नहीं, आप हार गए, आप बिल्कुल समझदार आदमी नहीं हो। चलो जाओ, अल्लाह हाफिज़। आप पहले तो अपना नाम बताएं। मोहम्मद जफर। मोहम्मद जफर, ओके। आप की अपनी दुकान है? जी सर। कितने साल से काम कर रहे हैं? 25 साल हो गए। आप मुझे बताएं कि आपका कारोबार कैसा चल रहा है? माशाल्लाह ठीक है कारोबार। ये कारोबार पहली हुकूमत में ज़्यादा अच्छा चल रहा था या दूसरी हुकूमत में ज़्यादा अच्छा चल रहा है? ये शहबाज शरीफ की हुकूमत में अच्छा कारोबार चल रहा है। अच्छा, शहबाज शरीफ की हुकूमत में अच्छा कारोबार चल रहा है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन लफ्ज़ जो है ना यहाँ पे चोरों का इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। चोरों की हुकूमत में इनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, और जो अच्छे लोग थे उनकी हुकूमत में कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था। अब आप खुद समझ जाएँ कि चोरों की हुकूमत में किनके कारोबार अच्छे चलते हैं। बहरहाल, आपके जो साथ एक और जगह खाली पड़ी, वहाँ कौन होता है? भाई होता है। वो कहाँ है? नासर। कहाँ गया? घर चला गया। हाँ, वो घर चला गया, वो हमेशा घर जाते रहते हैं, मुझे पता, उनका दिल नहीं लगता काम के अंदर। ओके, आपसे भी मेरा एक सवाल है, आपने उसका जवाब दिया, तो ये जो मोटरसाइकिल दिख रही है आपको, ये आपको ऐसी दिखती रहेगी। वो कौन सा मुल्क है जिसके तीन नाम है? कौन सा मुल्क है? मुझे पता नहीं कौन सा मुल्क। आप इतनी बड़ी दुकान चला रहे हो, पाकिस्तान का झंडा भी लगा कर रखा है, पाकिस्तान को तो जानते हो ना। इसके अलावा एक मुल्क है जिसके तीन नाम है, वो मुल्क का नाम बताओ। मुझे पता नहीं वो कौन सा मुल्क है। यार सीधा ही मुंह पे बोल देते हैं, मुझे पता ही नहीं है। कुछ तो सोचो तो सही, इतना बड़ा अल्लाह ताला ने जिस्म दिया, सोचो। जोर लगाओ। सुबह ने अपने पता नहीं मुझे कौन सा मुल्क है। नहीं पता। काके इधर आ जा, इधर आ जा काके। सऊदीया के तीन है, दुबई। नहीं, गलत। दुबई अलग मुल्क है, सऊदी अलग मुल्क है। जी भैया, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। चले खान, एक मुल्क है उसके तीन नाम है। ऐसा नहीं पता है मुल्क का। नहीं पता। नेपाल। नेपाल का पता दिए? नहीं नहीं। तीन नाम है, तीन इनाम मिलेगा आपको, मोटरसाइकिल नहीं कुछ और। बताओ बताओ, वो तो ऐसी दिखती रहेगी। नहीं, पाकिस्तान की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में एक मुल्क है उसके तीन नाम है। हाँ जी, मैं बताऊंगा, इनाम क्या दोगे बताओ? मैं तो दूंगा इनाम, तुम क्या इनाम दोगे? मैं बताऊंगा। हाँ हाँ भाई, इधर आ, इधर आ, तू इधर आ जा, इधर आ, भाग कर आ, इधर आ, नहीं तो पुलिस में नहीं दूंगा। इधर आ, इधर बता भाई, पहले अपना नाम बता। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नाइन्थ। नाइन्थ में पढ़ते हो, उसमें तो मैं फेल हो गया था। चलो कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ, एक मुल्क है उसके तीन नाम है, कौन सा मुल्क है? पता नहीं यार। आप नाइन्थ में पढ़ते हो, आर्ट्स रखी है, साइंस रखी है? मैंने आर्ट्स। आर्ट्स रखी हुई, तो तुम्हें तो हिस्ट्री का पता होना चाहिए। फिर अगर ये सवाल आ गया इम्तिहान में क्या करोगे? फेल हो जाओगे।
खैर फेल हो जाएगा। तो भाई जान आपका नाम क्या है? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद भाई क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह सब खैर है भाई जी। कब से आप अपनी आपकी खुद की रेडी है जी? खुद की रेडी है? हाँ जी खुद की रेडी। कब से? 20 साल हो गए जी। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले कारखाने में काम करते थे। उससे पहले कारखाने में काम करते थे। काम कैसा चल रहा है माशाल्लाह से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भाई जान। इस हुकूमत में काम अच्छा चल रहा है या पिछली हुकूमत में अच्छा चल रहा था? इसमें अच्छा चल रहा है। आप लोग फिर से समझ जाएं, बोलने की ज़रूरत नहीं। अच्छा आपसे एक सवाल है, अगर आप सबका सवाल का जवाब दे देंगे तो ये जो मोटरसाइकिल दिख रही है ना आपको, ये ऐसी दिखती रहेगी। सवाल ये है कि एक जिंदा आदमी मर गया ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसको चलते फिरते देख रहे हैं, कैसे? नहीं देख सकते। नहीं देख सकते? देख सकते, मैं जवाब आपको दूंगा। जो मर गया उसके कैसे देख सकते हैं? मैं आपको जवाब दूंगा, मरे हुए को जो ना जो मर गया उसको आप चलते फिरते देख रहे हैं और आप देखेंगे। नहीं नहीं देख सकते। वो खान है ना वो पीछे खड़ा है, वो मर गया समझो, लेकिन आप चलते फिरते देख रहे हो। जो मर गया हो तो जिंदा है। इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते? जिंदा तो चल रहा है। नहीं नहीं, जो मेरा सवाल है ना, खान मर गया है? नहीं मर गया, खान जिंदा है। अच्छा एक आदमी मर गया, चलो ठीक है मर गया, कोई भी एक आदमी जिसने मरना था वो मर गया ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसे चलते फिरते देख रहे हो, कैसे? नहीं देख सकते। नहीं देख सकते, आपको इस सवाल का जवाब नहीं आता? खान में देख सकते, वैसे ही देख सकते। आप भी नहीं देख सकते। बस फिर वो जो मेटसल दिख रही है ना आपको, ऐसी दिखती रहेगी, देखते रहे भाई। आप एक सवाल का जवाब देंगे, अपना नाम बताएं पहले। अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? कंटीन है मेरे पास स्कूल की। अच्छा ठीक है, समझ मुझे आई नहीं, लेकिन जो आपने कहा बिल्कुल सही होगा। एक सवाल है, एक आदमी ये खान ये जो खड़ा है ना ये मर गया, लेकिन चलते फिरते फिर भी देख रहे हैं। मैं तो नहीं मानता। आप नहीं मानते? दूसरा खान इमरान खान के पीछे पड़ा है। चले आपको इस सवाल का जवाब नहीं आता? नहीं बिल्कुल नहीं आता। आपको इस वक्त सब्जी लेने में इंटरेस्ट ज़्यादा सवाल से ज़्यादा है ना? देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि इस सवाल का जवाब देने पे आपको इनाम मिलेगा, ये मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं ये आपको ऐसी दिखती रहेगी। फिर भी कोई इंटरेस्ट नहीं आया? चलें ठीक है कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। नज़दीक आ जाएं, आप करोड़पति नहीं हैं, नज़दीक आ जाएं। नाम बताइए। मोहम्मद रज़ा। मोहम्मद रज़ा, आपकी किस चीज़ की दुकान है? करियाने की दुकान है सर। आपकी खुद की है या ये आप काम करते हैं? मुलाज़िम बंदे हैं हमारी, कहाँ आई दुकान। अच्छा आपकी हालत तो मुलाज़िम वाली नहीं लग रही। हालत से ज़रूरी तो नहीं कि मैं मालक हूँ, मैं मुलाज़िम बंदा हूँ। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। ये पिछली हुकूमत में ज़्यादा अच्छा चल रहा था या अब ज़्यादा अच्छा चल रहा है? सब भी अच्छा है, सभी हुकूमतों में। अच्छा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे अच्छा जवाब था आपका। ओके अब एक सवाल है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, अगर आप देना चाहें तो देंगे? अगर देने का काबिल हुआ या पता हुआ तो दे दूंगा। बहुत आसान सवाल है। बोलो। एक आदमी है ठीक है, जिंदा था मर गया, लेकिन आप चलते फिरते देख रहे हैं, कैसे? वो मर गया लेकिन आप चलते फिरते देख रहे हैं, कैसे? एक आदमी था मर गया, आप चलते फिरते देख रहे हैं। ये ना बोलना ख्वाब में देख रहे हैं, ख्वाब में नहीं हकीकत में देख रहे हैं। मोहब्बत तो फिर ख्यालों में आ गई ना, ख्यालों में नहीं हकीकत में। कोई इलम नहीं, कोई इलम नहीं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको इसके लिए इनाम भी मिलेगा अगर आपने सही सवाल का जवाब दे दिया तो? कोई इलम नहीं फिर भी। मतलब आपको अपने दिमाग पे पूरा यकीन है कि आप इस काबिल नहीं है सवाल का जवाब दे सके? ये बहुत ही डल माइंडेड है। चले हम दूसरे भाई से पूछते हैं, अंकल से पूछते हैं। हाँ ठीक है आ जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम बताइए। मेरा नाम गुलाम अब्बास है। इनका नाम गुलाम अब्बास है, बहुत प्यारा नाम है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। यहाँ तो कोई ट्रक नहीं दिख रहा है मुझे, बस आ जाएगा अभी। अच्छा आ जाएगा। अच्छा ट्रक ऑटोमेटिक चलता है, आप ड्राइवर यहाँ है लेकिन ट्रक ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ ये बहुत अच्छी बात है। चले आपसे भी वही सवाल है जो इन्हें सवाल किया है। एक बंदा ये शाहरुख खान ठीक है, ये जिंदा है लेकिन ये मर गया, चलते फिरते देख रहे हैं, कैसे? ये बस ये पाकिस्तान का जो कानून है ना ये चलता है। शनाख्ती कार्ड में मारते हैं। ये सियासतदान आपने, वैसे बंदा जिंदा होता है। अच्छा बंदा जिंदा होता है? नहीं ये सचमुच में मर गया समझे, सचमुच में। चलो ये नहीं मर गया है, कोई और बंदा मर गया जिसने मरना था वो मर गया। अच्छा। लेकिन फिर भी आप चलते फिरते उसको देख रहे हैं, कैसे? नहीं नजर ही नहीं आएगा, जब मर गया तो मर गया। आपको पक्का यकीन है? नहीं आ सकता नजर? बिल्कुल नहीं आ सकता। शाहरुख खान तेरे से पूछे ये सवाल।
शाहरुख खान को नहीं आएगा, शाहरुख खान तो खुद ये तो पहले मर चुका है ना, मैं तो मर चुका है, क्या जवाब देगा? आपका नाम बताओ। मोहम्मद अलियास। आप किसके बेटे हो? जफर के। अच्छा, मैं समझा आप अपने अब्बू के बेटे हो। तो अच्छा, क्या करते हो आप? स्कूल में पढ़ता। स्कूल में पढ़ते हो, साइकिल लेके जाते हो? नहीं। आज क्यों लेके घूम रहे हो, स्कूल कहाँ है? स्कूल इधर ही है पास। अच्छा, स्कूल इधर ही, लेकिन आप गए नहीं, छुट्टियाँ हैं, स्कूल खुले नहीं? नहीं। अच्छा चलो, आप स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फाइव में। फाइव में पढ़ते हो, फिर तो आप मुझे समझदार बच्चे लगते हो। आप मेरे सवाल का जवाब दो, फिल्में देखते हो? हाँ। ओके, वो क्या है जो मन में है, दिल में है, लेकिन धड़कन में नहीं है? वो क्या है जो मन में है, दिल में है, लेकिन धड़कन में नहीं है? देखो तीनों चीज़ें पास पास है ना, दो में है एक में नहीं है, क्यों? नहीं, धड़कता दिल, दिल की तो बात नहीं हो रही, दिल के अंदर, दिल के अंदर है, मन के अंदर है, लेकिन धड़कन में नहीं। दिल में है, मन में है, धड़कन में नहीं है। अल्लाह तो हर जगह है। नहीं आता, हार गए इतनी जल्दी।